हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सो टॉपिक का नाम है वेक्टर स्पेस। ओके, सो पहले देखते हैं कि इस वेक्टर स्पेस में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है जो लगभग हर बार पूछा जाता है, जिस पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, सो इसमें आपका एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि आप लोग चेक कीजिए कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे सब स्पेस के बारे में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको सेट दे देगा और पूछेगा कि आपका सब स्पेस है या नहीं है। अदरवाइज आपको 3 4 सेट दे देगा और उसमें पूछेगा, इसमें से आप लोग चेक करिए कि इसमें कौन सा सब स्पेस है कौन सा नहीं है। ओके, देन उसके बाद में आपका लीनियर कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन आता है, लीनियर कॉम्बिनेशन एंड बेसिस से। ठीक है, और बेसिस के बाद में आपसे डायमेंशन का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। कई बार आपको डिफरेंट डिफरेंट सेट्स दे देगा और उसमें पूछ देगा कि इसका डायमेंशन क्या है, या फिर डायमेंशन ऑफ, अगर आपके पास W1 का W2 दो सब स्पेस हैं तो इनके इंटरसेक्शन का डायमेंशन पूछ देता है। कई बार इनका यूनियन का भी डायमेंशन पूछ देता है। कई बार मतलब डायमेंशन ऑफ W1 और W2 दोनों का अलग अलग पूछ देता है। ठीक है, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट सेट। इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये कुछ एक टॉपिक्स थे जिनसे ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इन पे फोकस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको भी ट्राई करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से। सबसे पहले वेक्टर स्पेस होता क्या है ये भी तो हमें पता चले ना, उसी के बाद तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस डिफाइन करने से पहले हम लोग एक सेट लेते हैं वी। वी इज ए नॉन एम्प्टी सेट। वी इज ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, एंड एफ इज ए फील्ड। ओके, तो वेक्टर स्पेस डिफाइन करने के लिए पहले हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया जिसको वी नाम दिया है, और एक फील्ड लिया है जिसको हम एफ बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस वी को वेक्टर स्पेस बोलेंगे। वी इज ए वेक्टर स्पेस, मैं शॉर्ट में इसको वी एस लिख रही हूँ। वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ, ओवर दिस फील्ड एफ इफ। अब ये कुछ एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तब हम बोलेंगे कि जो वी है वो वेक्टर स्पेस है ओवर दिस फील्ड एफ। ठीक है, अभी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो फर्स्ट ये कहता है कि जो वी है वो आपका अबेलियन ग्रुप होना चाहिए प्लस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, वी प्लस इज ए अबेलियन ग्रुप। एंड आई थिंक सबको अबेलियन ग्रुप तो पता है कि क्या होता है, तो मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। अबेलियन ग्रुप के लिए सबसे पहले किसी भी ग्रुप के लिए आपको क्लोजर देखना पड़ेगा, मतलब ए प्लस बी आपका बिलोंग करना चाहिए वी से, अगर ए और बी आपका वी से बिलोंग कर रहा है। सेकंड, आप एसोसिएटिव चेक करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 3 एलिमेंट आपको दे रखे हैं तो किसी दो को ऐड करके पहले उसके बाद तीसरा ऐड करेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए आपका। ओके, इसके बाद आता है आपका आइडेंटिटी, मतलब एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसको आप किसी भी एलिमेंट में ऐड करो तो वो एलिमेंट खुद मिल जाए। मतलब अगर ए में हम कोई ऐसा एलिमेंट आपको मिल जाए जिसको ऐड करें तो हमें ए वापस मिल जाए, तो ऐसा एलिमेंट हमारे पास 0 बोल सकते हैं इसको। और अगर इसके बाद आता है आपका इनवर्स, तो इनवर्स के लिए आपके पास एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए इसमें अगर हम ए में ऐड करें तो हमें आइडेंटिटी दे, मीन्स यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी को 0 नाम दे रहे हैं तो हमें 0 मिलना चाहिए। ठीक है, इसको हम माइनस ए बोल सकते हैं। ओके, ये तो आपका यहाँ तक आपका ग्रुप फॉर्म कर दिया ये वी जो है। अबेलियन के लिए हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे,
कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यहाँ पे ए और बी आपके वी से आ रहे हैं। तो अगर ये पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो इसको हम बोलते हैं अबेलियन टू। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस होने के लिए सबसे पहले आपको क्या मतलब वी को क्या होना पड़ेगा, अबेलियन ग्रुप। ठीक है, इतना होने के बाद नेक्स्ट आपका क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ेगा वी को, अगर आप एक अल्फा लेते हैं एफ से, ठीक है, और एक स्मॉल वी लेते हैं इस जो हमने सेट डिफाइन किया वी से, तो आपका अल्फा टाइम्स जो वी है वो बिलोंग करना चाहिए कैपिटल वी में। ठीक है, इसको हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्यों बोलते हैं, तो इसके लिए आपका एक मीन्स इसके लिए पहले आपको स्केलर और वो सब देखना पड़ेगा। तो जो यहाँ फील्ड्स के जो एलिमेंट है, जो फील्ड के एलिमेंट है उसको हम स्केलर बोलते हैं, और जो वी के जो एलिमेंट है इसको हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा जो है आपका स्केलर है और जो वी है इसको वेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक अल्फा इंटू वी हो रहा है, मतलब स्केलर के साथ प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए इसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, दो प्रॉपर्टीज हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, ओके, इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है अगर आप एक एलिमेंट लेते हो, सपोज अल्फा ले लिया आपने वी से, सॉरी एफ से, और दो एलिमेंट ले लिया आपने वी वन और वी टू, कहाँ से, वी से, तो क्या होना चाहिए आपका, अल्फा टाइम्स वी वन प्लस वी टू जो है वो आपका हो जाएगा अल्फा वी वन प्लस अल्फा वी टू होना चाहिए। ओके, इससे नेक्स्ट है आपका अगर एक आप अल्फा और बीटा ले रहे हो एफ से और एक वी ले रहे हो कैपिटल वी से, तो अल्फा प्लस बीटा टाइम्स जो वी है वो आपका होना चाहिए अल्फा वी प्लस बीटा वी। ठीक है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर्स बोल सकते हैं और इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर्स बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम स्केलर के साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे वेक्टर्स के साथ में कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है अगर आप अल्फा बीटा दो एफ से ले रहे हो और एक वी आपने ले लिया कैपिटल वी से, तो ये आपका इक्वल होना चाहिए मीन्स अल्फा इंटू बीटा टाइम्स वी कीजिए या फिर अल्फा टाइम्स बीटा वी कीजिए, दोनों आपका सेम होना चाहिए। ये आपका कुछ कुछ स्केलर सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसा हो गया, पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अल्फा और बीटा दो स्केलर्स ले रहे हैं। ओके, एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वन इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा होना चाहिए फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी, और यहाँ पे जो ये वन क्या है, ये है आपकी यूनिटी ऑफ फील्ड। ठीक है, मीन्स यूनिटी ऑफ फील्ड टाइम्स अगर आप अल्फा करते हैं जहाँ पे अल्फा वी से बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका अल्फा ही आना चाहिए। ये मैं इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार ये जो प्रॉपर्टी है वो आपकी यूज होती है डिस्कार्ड करने के लिए कि आपका जो वी है वो वेक्टर स्पेस बना रहा है या नहीं, उसमें आपको बहुत ये सारी प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आप इस वाली प्रॉपर्टी से ही बोल सकते हैं कि वो आपका वेक्टर स्पेस नहीं हो रहा है, ये वाली होल्ड नहीं करती है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, ठीक है, ये तो हुआ कि आपका जो वी है वो वेक्टर स्पेस इतनी सारी प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई करा तो वेक्टर स्पेस बोलेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले वी जो है वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होना चाहिए, मीन्स अगर हम एक अल्फा ले रहे हैं फील्ड से और एक वेक्टर ले रहे हैं वी से, तो अल्फा टाइम्स वी जो आपका वी में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर्स होना चाहिए, मीन्स आप दो वेक्टर वी वन वी टू ले रहे हैं और एक अल्फा एफ से ले रहे हैं, तो अल्फा टाइम्स वी वन प्लस वी टू इक्वल टू होना चाहिए अल्फा टाइम्स वी वन प्लस अल्फा टाइम्स वी टू। नेक्स्ट आपका है कि अगर वी वन प्लस वी टू की जगह आप अल्फा प्लस बीटा मतलब दो स्केलर्स ले रहे हो और इंटू वी कर रहे हो, तो वो अल्फा इंटू वी प्लस बीटा इंटू वी होना चाहिए।
नेक्स्ट आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू वी, मीन्स आप इसको एसोसिएटिव की तरह देख सकते हो। तो आप पहले दो स्केलर्स को ऑपरेट करने के बाद वेक्टर को ऑपरेट करिए, या फिर एक वो वेक्टर एक स्केलर ऑपरेट करने के बाद तीसरा स्केलर ऑपरेट कर दीजिए, तो दोनों सेम होंगे। और जो आप सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी थी वो क्या थी कि जो 1 टाइम्स अल्फा, 1 यहाँ पे क्या है, यूनिटी ऑफ फील्ड, तो यूनिटी ऑफ फील्ड टाइम्स अल्फा आपका अल्फा होना चाहिए, जहाँ पे अल्फा आपका वी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर वी सेटिस्फाई करता है ओवर ए फील्ड एफ, देन वी कॉल वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ। और इसको हम वी ओवर एफ को इस टाइप से भी डिनोट करते हैं, इसका मतलब है कि जो वी है वो वेक्टर स्पेस ओवर एफ फील्ड। ओके, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स इसका मैं दे देती हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं कि अगर मैं वी इक्वल टू आर एन ले लूँ, ठीक है, तो आर एन में आपका किस टाइप का एलिमेंट आता है, एन टपल्स आ जाते हैं, जैसे ए वन ए टू कोमा ए एन, ठीक है, सच दैट आपके जो ए आई है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से, आई आपका 1 से एन नंबर तक हो गया। ठीक है, तो ये जो आर एन है ये आपका वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर आर, तो इसको मैं लिख देती हूँ आर एन ओवर आर इज ए वेक्टर स्पेस। इसको आप चेक कर सकते हो, सारी प्रॉपर्टीज आप चेक कर सकते हो, ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। सबसे पहले तो जो आर एन है ये हम चेक आराम से कर सकते हैं, ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी डन होगी। सेकेंड आपका था कि अल्फा टाइम्स वी जो है वो बिलोंग करना चाहिए वी से, तो यहाँ पे अल्फा भी आप रियल से बिलोंग कर रहे हो और ये भी रियल से, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी आपका रियल से बिलोंग कर जाएगा, सॉरी आर एन से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि इसमें अगर आप अल्फा एक ले लिया आपने रियल नंबर से और ए वन कोमा ए टू कोमा ए एन अगर आप आर एन से ले रहे हो, तो अल्फा टाइम्स दिस क्या हो जाएगा, अल्फा ए वन अल्फा ए टू यही हो जाएगा अल्फा ए एन, और ये अगेन आपका रियल से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये आपका आर एन से बिलोंग कर जाएगा। और इसी टाइप से आपका वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर्स और 1 टाइम्स अल्फा, तो 1 आपका क्या था, यूनिटी ऑफ फील्ड, तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ ये क्या हो जाएगी आर, आर की यूनिटी हमें पता कि 1 ही है, और 1 टाइम्स अल्फा करेंगे तो वो अल्फा ही देगा, तो अल्फा हमने कहाँ से लेता है, वी से, तो यहाँ पे वी से बिलोंग कर जाएगा, मीन्स आर एन से बिलोंग कर जाएगा। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये जो वी इक्वल टू आर एन है ये आपकी ओवर आर जो है वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो आपका ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा। ये इजी से था, मतलब जो बहुत बार काम आता है हमारा, ये एक यूजुअल कह सकते हो वेक्टर स्पेस है। ठीक है, और कुछ एक के और एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ। जैसे हमने आर एन ओवर आर किया, वैसे ही सी एन ओवर सी भी आपका वेक्टर स्पेस बनाएगा, आर ओवर आर भी वेक्टर स्पेस बनाएगा, सी एन ओवर आर भी वेक्टर स्पेस बनाएगा। ठीक है, ये तो कुछ हुए आपके वेक्टर स्पेस के एग्जांपल। अब एक यहाँ पे बहुत एक आप रिजल्ट इसको बोल सकते हो कि अगर आप जैसे फील्ड ले लिया आपने, और एक और सपोज कीजिए दूसरा फील्ड मैंने एफ डैश ले लिया, ठीक है, फील्ड ओवर अदर फील्ड, ठीक है, तो ये आपका वेक्टर स्पेस बनाएगा अगर ये जो आपका एफ है ये इस एफ डैश का इसको आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो एफ डैश है वो इसका सब फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए सी एन है ओवर आर वेक्टर स्पेस बना रहा है, यहाँ पे जो आर है वो आपका सब फील्ड हो रहा है सी एन का। ठीक है, बट अगर आपका ये जो एफ है ये आपका इसमें कंटेन मतलब सब फील्ड, सॉरी एफ डैश सब फील्ड ना होके यहाँ पे एफ जो है वो आपका सब फील्ड हो जाए, एक सेकेंड इसको, हाँ यहाँ पे एफ जो है वो कंटेन हो जाए एफ डैश में, देन ये वेक्टर स्पेस आपका नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल
जैसे मैंने ले लिया R ओवर कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे देखिए ये जो R है ये कंटेन हो रहा है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा यहाँ पे? ठीक है, इसके लिए एक अच्छी सी प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं कि बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप के में क्या कीजिए, आई आपका बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर में और आप 1 ले लीजिए आर से, तो आई टाइम्स 1 जो है वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए आपका, आर से, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी से। बट क्या ये बिलोंग करता है? नहीं, तो ये वाली प्रॉपर्टी तो आपकी होल्ड नहीं हुई, इसलिए जो आपका आर ओवर सी है इज नॉट वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो ऐसे अगर आप एक वी सॉरी ठीक है वी ही नाम ले दीजिए, वी ओवर एफ ले रहे हैं जहां पे जो वी है वो आपका कंटेन है एफ में, तो आपका ये जो वी है ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है, नॉट वेक्टर स्पेस। बट अगर यहाँ पे जो वी और एफ ले रहे हैं और अगर एफ जो है वो कंटेन हो रहा है वी में, मीन्स इसका सबफिल हो रहा है, तो आपका ये वेक्टर स्पेस बना देगा, ठीक है। ओके ऑल राइट, नेक्स्ट आपके इस टाइप से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी कम ऑन सब स्पेसेस, जहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सब स्पेसेस। सब स्पेसेस इज नथिंग बट लाइक, अगर आपने पढ़ा होगा सब ग्रुप, सब रिंग, इन सब का अगर कंसेप्ट जानते हैं तो ये उसी टाइप का कुछ है। सब ग्रुप में हम क्या देख रहे थे, पहले ग्रुप का एक सेट देख रहे थे, उसके बाद वो सर्टेन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा था, या फिर कह सकते हो अगर जैसे जी एक ग्रुप ले रहे हैं उसका एक एच हमने सबसेट ले लिया और ये जी के ऑपरेशन के साथ में खुद में ग्रुप बना रहा था, तो इसको हम बोल रहे थे सब ग्रुप। इसी टाइप से आपका सब रिंग का कुछ कंसेप्ट था, तो यही वाला सेम कंसेप्ट हम सब स्पेसेस में लगाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज एक एस मैंने ले लिया सबसेट वी का और ये एस आपका नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो इस एस को हम सब स्पेस कब बोलेंगे, अगर ये आपका एस भी वेक्टर स्पेस बना रहा है विद ऑपरेशंस ऑफ वी। और किसके ऊपर सब स्पेस बोलेंगे, अगर वी जो है वेक्टर स्पेस है ओवर एफ, तो एस की भी हम बात करेंगे ओवर एफ, ठीक है। मींस अगर आपका वी वी का एक सबसेट एस है नॉन एम्प्टी सबसेट एस, और ये इसी ऑपरेशंस के साथ वी के ऑपरेशंस के साथ में ओवर एफ वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, तो हम एस को बोलेंगे एस इज ए सब स्पेस ऑफ एफ, सॉरी सब स्पेस ऑफ वी, सब स्पेस ऑफ वी ओवर एफ, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हमने सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमारे पास फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट था, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट था, ठीक उसी प्रकार हमारे पास सब स्पेस प्रूफ करने के लिए भी कुछ टेस्ट है, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं इजीली जो है वो प्रूफ कर सकते हैं कि मीन्स अगर चेक करना हो कि ये सब स्पेस है कि नहीं, क्योंकि कई बार आपसे ये सब स्पेस के बारे में पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो उसके लिए हमें फ्रिक्वेंटली चेक करना आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपका एक टेस्ट है कि आप ये तो ये चेक कर सकते हैं, आपने एक्स वाई ले लिया एस से, तो आप चेक कीजिए कि एक्स प्लस वाई बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू सॉरी एस से, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है कि अगर आप अल्फा ले रहे हो एफ से और एक्स ले रहे हो एस से, तो अल्फा टाइम्स एक्स जो है वो आपका बिलोंग करना चाहिए एस से, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज होगी, मीन्स प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर होना चाहिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर होना चाहिए, तो इन्हीं दो प्रॉपर्टी से हम कह देते हैं कि जो एस है वो आपका सब स्पेस बना रहा है, ठीक है। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग एक साथ कर दें, मीन्स आपका एक और टेस्ट होता है एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ठीक है, ये बिलोंग करना चाहिए ऐसे, जहाँ पे अल्फा बीटा आपके क्या है स्केलर्स है, मीन्स फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं,
और एक्स और वाई जो बिलोंग कर रहे हैं एस से, ठीक है। अब देखिए इसी वाले जो प्रॉपर्टी है इससे हम ये वाला चीज देख सकते हैं, अगर अल्फा और बीटा को 1 1 ले ले तो एक्स प्लस वाई भी आपका एस से बिलोंग कर गया, और बीटा को अगर हम 0 ले लें तो आपका अल्फा एक्स बिलोंग कर गया, ठीक है। तो इन दोनों को नहीं चेक करके अगर हम सिर्फ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी चेक कर लेते हैं तो भी हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तब हम बोल देंगे कि ये आपका जो है एस जो है वो सबस्पेस हो रहा है वी का ओवर एफ, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में आपका वी वेक्टर स्पेस बना रहा है जिस फील्ड के ओवर, उसी पे आपका एस भी सबस्पेस बना देगा वी का, ठीक है। ओके यहाँ तक तो हमारा चेक करने का कि हम हमें कोई सबसेट दे दिया है वी का, उसको हम कैसे चेक करेंगे कि वो सबस्पेस है या नहीं सबस्पेस है, ठीक है, यहाँ तक चेक कर लिया। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग, अब इसको हम एप्लीकेबल भी कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 हम लेते हैं, तो इसके लिए हम लोग जैसे कौन सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सिंपल लीजिए बी कोई भी वेक्टर स्पेस है, बी बी ए वेक्टर स्पेस, और इसका मैंने डब्ल्यू सबसेट ले लिया और फील्ड ले लिया हमने रियल नंबर, ठीक है। देन पहली मैंने जो सेट लिया वो किस टाइप से लिया है, आपका ए वन ए टू अप टू एन, मतलब एन टपल्स ले लिए हैं वी से, सच दैट समेशन ऑफ आई टाइम्स ए आई इक्वल टू 1 होना चाहिए। मीन्स मैंने सेट ले लिया वी के, वी कोई भी वेक्टर स्पेस है, तो इसको वी को आप आर एन ही ले लीजिए फॉर सिंप्लिसिटी, ज़्यादा क्लियर हो पाएगा आपको, आर एन से, ठीक है। वी यहाँ पे आर एन ले लिया, ठीक है, तो आर एन में आपके ए वन ए टू इस टाइप से टपल आएंगे, उनके साथ कंडीशन क्या है कि आई टाइम्स ए वन सॉरी ए आई इक्वल टू 1 होना चाहिए, मीन्स 1 टाइम्स A1 प्लस 2 टाइम्स A2 इस टाइप से इन सब का अगर हम सम करें तो वो क्या आना चाहिए 1। अब आपको ये कंडीशन दे दी है, ठीक है, अब आप चेक करके बताइए कि ये सबस्पेस फॉर्म करेगा या नहीं सबस्पेस फॉर्म करेगा, ठीक है। ओके सो इसके लिए सबसे सिंपल, कभी भी आपको सबस्पेस प्रूफ करना हो तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हम चेक करेंगे वो आप चेक कीजिए कि जो 0 है वो आपका बिलोंग कर रहा है W से या नहीं, ठीक है, क्योंकि 0 बिलोंग करना बहुत जरूरी है। कई बार मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपका 0 बिलोंग नहीं करता और वहीं से आप डिस्कार्ड करके बोल सकते हो कि ये आपका सबस्पेस फॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है। और 0 एलिमेंट हमने देखा था कि ये आपका वो एडिटिव, अगर आपका वी जो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करते हैं तो उसमें जो 0 वो आपका एडिटिव आइडेंटिटी हो रहा था, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या 0 बिलोंग करेगा डब्ल्यू से, सपोज अगर 0 बिलोंग कर गया, मतलब 0 0 n टाइम्स 0 बिलोंग्स टू आर एन, सच दैट क्या होना चाहिए 1 टाइम्स 0 प्लस 2 टाइम्स 0 प्लस n टाइम्स 0 इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्या ये होगा, कभी भी कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि तो 1 टाइम्स 0 प्लस 2 टाइम ये तो 0 ही हो जाएगा और 0 कभी 1 के इक्वल होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 0 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू W, तो यहीं से हम बोल देंगे कि नॉट ए सबस्पेस, क्योंकि सबस्पेस इटसेल्फ इज ए वेक्टर स्पेस और वेक्टर स्पेस के लिए आपको 0 बिलोंग करना चाहिए, तो 0 ही बिलोंग नहीं कर रहा तो हम आगे तो बात ही नहीं कर सकते, तो टेस्ट लगाने की कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले ये एक कह सकते हैं कि ट्रिक आप मान सकते हैं कि कभी भी आपको सबस्पेस प्रूफ करने के लिए देता है, तो उसमें सबसे पहले आप लोग को क्या चेक करना है कि 0 उसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं, ठीक है। ओके हम कुछ एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी में आप वी इक्वल टू आर एन ए ले लीजिए, ठीक है। ओके और
डब्लू आप ले सकते हैं, यही ले लीजिए, a1 a2 अप टू an बिलोंग्स टू rn, और ये ओवर r है, सच दैट a1 बाई a2 इक्वल टू 2। ठीक है, सो अब आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर चेक करिए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पे आप बताइए कि जो W है, इज W ए वेक्टर स्पेस और नॉट। ठीक है, सो क्विकली इसका आंसर करिए आप लोग। ओके, सो अब हम इसका चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। सो आप लोग देखिएगा कि आपने सही आंसर किया है या गलत आंसर किया है। सो इसमें हमें क्या चेक करना है कि वेक्टर स्पेस, सॉरी वेक्टर स्पेस नहीं, सब स्पेस है ना, इज डब्ल्यू ए सब स्पेस और नॉट। तो सब स्पेस चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, जो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, राइट, जहाँ पे अल्फा बीटा आपका फील्ड से है और एक्स और वाई डब्ल्यू से है, ये वाली कंडीशन चेक करनी पड़ी। बट इससे पहले मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हमें देखना है कि जीरो इससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर जीरो बिलोंग करता है तब हम इस प्रॉपर्टी पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ओके, तो जीरो वेक्टर बिलोंग करने का मतलब है आपका जीरो कोमा जीरो एन टपल्स। ठीक है, तो क्या ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर जीरो आ गया तो ये तो डिफाइन ही नहीं है आपका। ठीक है, तो इस वाली कंडीशंस को तो ये होल्ड ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका ये जो चीज़ है ये नहीं होल्ड होगा। तो यहाँ तो जीरो ही नहीं बिलोंग का, जीरो ही बिलोंग नहीं करा तो हम आगे की बात ही नहीं कर सकते। तो यहीं से डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू इज नॉट ए सब स्पेस, सो सिंपल। ठीक है, ओके, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, वेक्टर स्पेस आप डिफाइन कीजिए मैट्रिसेस का, है एम क्रॉस एन, इस टाइप की एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिसेस है, सस्ते इसकी जो एंट्रीज हैं वो आपकी रियल नंबर से आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे फील्ड भी हम लोग क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं। ठीक है, और आप ये चेक कर सकते हैं जो मैट्रिसेस का सेट ऑफ वेक्टर स्पेस बनाएगा, क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट में आपका ये अबेलियन ग्रुप भी फॉर्म करेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आपका बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे डब्लू ले रहे हैं, डब्लू हमने क्या ले लिया, एन ऑर्डर की मैट्रिसेस का कलेक्शन ले लिया। ठीक है, सच दैट, अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। तो कंडीशन नंबर वन क्या है कि आपकी जो आई इक्वल टू 1 to n ए आई जे इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल आई लेस देन n। मीन्स इसका क्या मतलब हो गया कि जो सम ऑफ ईच कॉलम इज 0। ठीक है, देखिए ए अगर हम 1 2 क्रॉस 2 की सिंपली मैट्रिक्स देखें तो क्या हो जाएगा, a11 a12 a21 a22। अब ये क्या कह रहा है कि ए आई जे इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए आई जे का समेशन फॉर ऑल 1 to n आई आपका, तो आपका आई इक्वल टू 1 to n जाएगा, तो आपका ये क्या हो गया, a11 और 1 2 1 आई इक्वल टू 1 2 2 तक जाएगा, तो आपका a1j प्लस a2j इक्वल टू 0 होना चाहिए।
अब जे आपका वन और टू भी हो सकता है, तो सम ऑफ ईच कॉलम भी जीरो होना चाहिए और रो भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये वाली कंडीशन आपको दे दी है और फिर चेक करवा रहा है कि आपका वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा कि जीरो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ऑब्वियस है, जीरो मैट्रिक्स आप किसी भी ऑर्डर के ले लीजिए, इसके सम का भी कॉलम का सम भी जीरो और रो का सम भी जीरो, आप किसी भी ऑर्डर के लिए लीजिए। सो जीरो जो आपका डब्लू के बिलोंग कर गया। उसके बाद आपको ये चीज़ देखना है और आप इजीली चेक कर सकते हैं ये भी जो है आपका डब्लू से बिलोंग कर जाएगा। यहाँ पे आपका जो डब्लू है वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा ऑफ वी ओवर आर, ठीक है, यहाँ पे आपका बिलोंग कर जाएगा। एक और आपका कंडीशन है कि सेकंड कंडीशन मैंने दे दिया, डब्लू में हमने ए आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ले लिया सच दैट ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और इसी में एक और ये डब्लू वन है, डब्लू टू आप ले लीजिए ए आई जे सॉरी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स सच दैट ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब आपको चेक करना है कि इस डब्लू वन एन डब्लू टू वैक्टर स्पेस ऑफ वी ओवर रियल नंबर, ये चेक करना है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि जीरो जो है वो डब्लू वन से भी बिलोंग कर रहा है और जीरो जो है वो आपका डब्लू टू से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है या नहीं डब्लू वन से भी एंड डब्लू टू से भी, ठीक है। और आप लोग आराम से देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई है वो बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि पहले वाले के लिए आप लोग क्या लेंगे अल्फा ए प्लस अल्फा सॉरी बीटा बी का जो ट्रांसपोज है, ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं अल्फा ए ट्रांसपोज प्लस बीटा बी का ट्रांसपोज, जहाँ पे आपका ए और जो बी है वो आपकी मैट्रिसेस है, ये बिलोंग कर रहे हैं बी से, और अल्फा और बीटा जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और हमें पता है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो आपका होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। सो यहाँ से आपका ये हो गया, और तो इसको अल्फा तो आपका स्केलर है इसलिए अल्फा ऐसे कैसे रह जाएगा, ये आपका ए ट्रांसपोज हो गया प्लस बीटा बी ट्रांसपोज, इसको हम और क्योंकि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है तो ये अल्फा ए प्लस बीटा बी, तो अल्फा ए प्लस बीटा बी का ट्रांसपोज आपका अल्फा ए प्लस बीटा बी आ गया, सो ये आपका वी से बिलोंग कर गया। सिमिलरली आपका जो ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज है इस वाले प्रॉपर्टी के लिए भी होल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू बोथ आर वेक्टर स्पेस ऑफ वी ओवर आर, और इसमें जो ये ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी टाइप से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वेक्टर स्पेस के, सब स्पेसिस के, कभी बनाता है कभी नहीं बनाता है। सो बाकी हम जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करेंगे उनको डिस्कस करेंगे तब हम लोग इसका और अच्छे से एप्लीकेशन देखेंगे। तब तक आप लोग इससे रिलेटेड पूरा जो भी जहाँ भी आपको प्रॉब्लम मिलता है वो आप कर सकते हैं, कहीं भी डाउट आएगा तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। तो इसी के साथ हम इसको ख़त्म करते हैं।